थैंक्स ब्लैक लेजेंड गेमिंग, तुमके वजह से कंटेंट बन पा रही है इसलिए तुमको एक शाउट आउट जाता है। साथ ही साथ मैं इस वीडियो पे कोई भी गेम का कम्युनिटी को हेट नहीं कर रहा, ना ही कोई गेम को मैं हेट करता हूँ। तो और जो लोग मेरे ओल्ड व्यूअर है उनको पता भी है कि मैं दोनों गेम को ही खेलता हूँ, और कभी कभार अगर अच्छा टाइम मिले तो इस चैनल पर, मेन चैनल पर कभी कभार माइनक्राफ्ट का वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ। और हाँ, अगर तुमके पास अच्छा टाइम नहीं है या ज़्यादा इंटरनेट नहीं है तो तुम अपने हिसाब से वीडियो को अपने अपने टाइम पर देख सकते हो, क्योंकि हर एक पार्ट के लिए अलग अलग टाइम लाइन बना दिया हूँ, जो तुम स्क्रीन पर भी देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन पर भी हर एक टाइम लाइन है, तुम अपने हिसाब से देख सकते हो। गेम का बात किया जाए तो बहुत तरह का गेम है, बट मैं बात करने वाला हूँ सर्वाइवल जॉनरा के ऊपर। सर्वाइवल जॉनरा में सिर्फ दो गेम ही सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, बाकी गेम भी बहुत सारा है बट दो गेम सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, और उनका नाम है, एक है माइनक्राफ्ट जो 2010 से अपने नाम पर टिका हुआ है, और दूसरा है आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। अगर क्या होगा अगर हम इन दोनों गेम को एक साथ कंपेयर करें, ऑब्वियसली आंसर यही होगा कि दोनों में कोई भी नहीं जीतेगा। क्यों, चौंक गए ना? ऑब्वियसली दोनों में कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि अगर आर्क को देखा जाए तो आर्क में ऐसा बहुत कुछ है जो माइनक्राफ्ट में कभी नहीं है और आ भी नहीं सकता, और अगर माइनक्राफ्ट पर भी देखा जाए ऐसा बहुत कुछ है जो आर्क में नहीं आ सकता। तो इसी कारण से ये दोनों गेम अपने अपने जगह पे बहुत ही बेहतरीन है। बट यहाँ पर ही क्या वीडियो खत्म हो गया, मेरा वॉच टाइम का क्या होगा? नहीं यार, वीडियो अभी भी चलेगा, तुम टेंशन मत करो। अभी हम लोग आराम से इस पूरे वीडियो को डिस्कस करेंगे, हर एक पार्ट को मैं देखूंगा जितना हो सके, बट ये मत सोच लेना कि मैं बाकी यूट्यूबर जैसा ऐसा बकबस करूंगा कि किसका कितना ज्यादा डाउनलोड है, किसका कम्युनिटी का बहुत ज्यादा यूट्यूबर है, या इसका कम्युनिटी का बहुत बड़ा यूट्यूबर है, ऐसा वगैरह वगैरह बहुत सारा बातें, किस गेम का कैसा रिव्यू है, क्या है वो है फलाना ढमकाना, या कौन से कंपनी को ज़्यादा रेवेन्यू आता है, जो भी है ये कोई मतलब नहीं होता। तुम्हें अगर गेम के बारे में डिस्कस करना है या फिर कम्युनिटी के कंपेयर करना है दोनों गेम के ऊपर, तो उसका गेम प्ले, ग्राफिक, टेक्चर, क्वालिटी, जो भी आता है गेम के अंदर, उन सारे के बारे में ही डिस्कस करो, स्टोरी लाइन वगैरह, ना कि कौन सा यूट्यूबर खेला, प्यूटीपाई खेला, कल बिस्ट बॉय ने खेलिया, भाई ये कोई मतलब नहीं होता, एक कोई मतलब नहीं होता, यूजलेस बात मत करो। तो ऐसे तो आर्क का भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर है, नहीं भाई मैं नहीं बोलने वाला, ये कोई यूजलेस बात है। अभी मैं बात करने वाला हूँ जो पॉइंट वाला बात है, एक्चुअली ये आया कहाँ से, ये टॉपिक क्यों मैं बना रहा हूँ अचानक से। तो एक्चुअली मैं इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बनाने वाला था, सोचा था, बट मैं ये देखा नहीं, अभी नहीं, कोई मतलब नहीं है, मूड नहीं है। फिर मैं देखा निक्सॉन गेमिंग, अगर तुम्हें नहीं पता निक्सॉन गेमिंग कौन है, वो आर्क मोबाइल का एक यूट्यूबर है, ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा, और अगर नहीं भी पता फिर भी बोल रहा हूँ, जाओ जाके चैनल को विजिट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो उन्होंने अपना रिसेंटली एक कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट किया था, सॉरी मैं क्या ही बोल रहा हूँ, तो एक पोस्ट किया था कि आर्क बेटर या माइनक्राफ्ट, तो ऐसा ही कुछ। तो उसमें हर एक बंदा अपना अपना ओपिनियन रखा, येस नो जो भी, माइनक्राफ्ट आर्क पे वोट किया जो भी है, तो मैं भी अपना ओपिनियन रखा था। तो उस टाइम पे एक बंदे ने मुझे कमेंट किया, अब देखो इस बंदे को हेट मत करो, पूरी बात सुनो, ये जो बंदा कमेंट किया था तुम जाके भी पढ़ सकते हो हर कमेंट, तो इस बंदे ने जो भी यहाँ पर अपना ओपिनियन रखा ना,
पॉइंट तो है इसके बात पे, इसी कारण से मैं सोचा एक वीडियो तो बनाना चाहिए इसके पॉइंट पे, तो इसलिए मैं भी कम्युनिटी पोस्ट किया था। तुम लोगों ने यस पे वोट दिया, नो पे कोई नहीं किया सर, यस पे। तो भाई मैं भी देखा चलो यार बना ही देते। और देखो इस बंदे को सही में मैं बोल रहा हूँ हेट मत करो, ये बंदा अपने हिसाब से लिखा है और इसको जो लगा इसका जो बात है ना सही में काफी ज्यादा पॉइंट वाला बात है। तो भाई बोल रहा है व्हाट अबाउट हैकर ग्लिच नो अपडेट फॉर 6 मंथ ब्ला ब्ला ब्ला। तो एक्चुअली भाई जो बोल रहा है मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इतना बकबस करने का कोई जरूरत नहीं है, सीधा बात है। एक्चुअली मैं जो बात बोला था कि आर्क एक्चुअली रियल एक्सपीरियंस देता है सर्वाइवल का माइनक्राफ्ट फन में, तो फन में बेहतरीन है। अब मेरे हिसाब से ऐसा था कि दोनों गेम ही नंबर वन है, बट सर्वाइवल में ऑब्वियसली आर्क बेटर है माइनक्राफ्ट से काफ़ी गुना। और अगर तुम फन के हिसाब से बात करो तो ऑब्वियसली माइनक्राफ्ट बेटर है, बट हो सकता है मेरा कमेंट सही से मैं नहीं कर पाया इसलिए भाई को थोड़ा सा गलत फहमी हो चुका है, या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकता है जो भी है। तो भाई ने यहाँ पर जो बोला कि 6 मंथ से कोई अपडेट नहीं आ रहा है, कर इतना है ग्लिच इतना है, क्या रियल एक्सपीरियंस जो भी है। पहले ग्लिच के बारे में आते हैं, तो ग्लिच एक्चुअली हर एक चीज़ों में होता है, तुम्हारे जिंदगी पे होता है, इतना कि यूनिवर्स तक में होता है, बट इतना कॉम्प्लेक्स होने का कोई जरूरत नहीं है, सीधा गेम पे आते हैं। इतना क्यों नोटिंग कर रहा हूँ, तो ग्लिच यार हर गेम में होता है, कौन सा गेम है जिसमें ग्लिच नहीं होता। बट तुम्हारे हिसाब से शायद तुम बोलना चाहते हो कि आर्क में ज़्यादा ग्लिच है, हाँ मैं मानता हूँ ज़्यादा ग्लिच है, ऑब्वियसली ग्लिच है ज़्यादा। बट अगर तुम बात करो माइनक्राफ्ट के कंपेयर में, तो भाई माइनक्राफ्ट के हर एक वर्जन में ग्लिच होता है, क्या बात कर रहे हो, माइनक्राफ्ट के यूट्यूबर तक मानता है हर एक वर्जन में ग्लिच होता है, मोबाइल का बात कर रहा हूँ। तो देखो अगर तुम बात करो कि आर्क के, देखो हर एक माइनक्राफ्ट का वर्जन में अपडेट आके ग्लिच ठीक हो जाता है। अब तुम यहाँ पर देखो माइनक्राफ्ट का कौन सा कंपनी है, मोजैंग, इतना बड़ा टीम है आर्क का, देखो भाई इतना टाइम से नहीं आया, 2010 से नहीं आया, 2017 में लॉन्च हुआ है जहाँ पर पबजी भी लॉन्च हुआ था, बट आर्क मोबाइल का अलग कंपनी बन गया, मतलब नहीं नहीं आर्क पीसी का ही है, बट उन लोगों ने एक छोटा सा टीम बना दिया आर्क मोबाइल के लिए काम करता है, और आर्क मोबाइल का टीम काफी छोटा है बाकी गेम के कंपनी के हिसाब से अगर देखो, जैसे कि पबजी आर्क वगैरह, आई मीन पबजी माइनक्राफ्ट वगैरह के अगर देखो, तो उनके हिसाब से आर्क का काफी छोटा, आर्क मोबाइल का काफी छोटा टीम है। तो अगर देखा जाए तो आर्क इतना छोटा, आर्क मोबाइल का टीम है तो लोग तो मेहनत कर रहा है ना, तो और ऊपर से इतना हेवी गेम है आर्क, इतना हेवी गेम है, इतना कुछ है, हर एक चीज का टेक्सचर ग्राफिक्स सिर्फ उनका मतलब साइज को मैटर नहीं करता, गेम का एआई स्टोरी सिस्टम गेम का गेम प्ले जितना भी कुछ है ना, फिजिक्स लॉजिक सारा कुछ गेम का एक साइज और गेम का हेपी जो भी कुछ है ना गेम के ऊपर मैटर करता है, उनमें कुछ भी हो जाए तो ग्लिच होगा ऑब्वियसली, साउंड से लेके हर एक चीज पे, तो ग्लिच इतना कुछ वो लोग फिर भी ट्राई कर रहा है। ऊपर से देखो ऐसा भी नहीं होता कि एक ग्लिच को फिक्स कर दे तो हर एक डिवाइस पे नहीं होगा, नहीं, कुछ कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ ग्लिच पर्टिकुलर एक बंदे के डिवाइस पे होता है, ऐसा भी होता है कुछ पर्टिकुलर एक ही मॉडल पे हो रहा है, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो हर एक चीज़ को फिक्स करना इतना ईजी नहीं है, और ऊपर से तुम 100% ग्लिच को फिक्स कभी नहीं कर पाओगे अभी के टेक्नोलॉजी पे, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हें हो सकता है इसका आंसर मिल गया। अभी बात कर रहे हो हैकर के ऊपर, तो देखो हैकर कौन सा गेम है जिसमें हैकर नहीं होता, हाँ होता है कुछ गेम में हैकर नहीं होता, जैसे कि सीओडी फोर्टनाइट। हम लोग बात करेंगे आर्क मोबाइल और माइनक्राफ्ट के ऊपर, अगर इन दोनों में हैकर का बात किया जाए तो भाई दोनों में ऑब्वियसली हैकर है, बट माइनक्राफ्ट भाई क्या ही गजब हैकर है यार, मतलब एसएमपी पे लोग टूल बॉक्स यूज करके हैक कर रहे हैं भाई, क्या ही बोलोगे तुम। अब देखो कैसे हुआ, देखो हमारे एसएमपी था ना उसका वरना वीडियो आ जाता है, हमारे एसएमपी पे क्या हुआ था पहले का बात कर रहा हूं, तो उसमें एक्चुअली हुआ क्या था, तो एक्चुअली उसमें बंदा ज्वाइन होते ही टूल बॉक्स यूज करके हैक कर लिया। अब कैसे किया, सीधा का सीधा ज्वाइन होते ही नेदरराइट आर्मर, चलो मान लेते किसी तरह से मिल गया, चलो ये होना हो नहीं सकता बट मान लेते। उसके बाद बीकन मिल गया उनको, बीकन अब तुम्हें नहीं पता तो एक्चुअली माइनक्राफ्ट का क्या बोलते हैं इंडर ड्रैगन के अलावा भी एक बॉस होता है जिसका नाम है विदर, विदर को मार के और भी कुछ करना पड़ता है, तो उसके बाद तुम्हें एक बीकन बना पाओगे, जैसे कि मैं नहीं बोलूँगा कैसे बना पाओगे वो तो सबको पता है, तो ये चीज़ ज्वाइन होते ही तुम नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है भाई सर्वाइवल में ये करना। वो लोग टूल बॉक्स यूज़ कर रहा था लास्ट में, वो लोग बोला भी, तो अभी देखो तो माइनक्राफ्ट का तो तुम्हें समझ ही आ गया भाई कैसा ही भाई हैक हो जाता है भाई, तुम्हें समझ ही आ रहा है। अब बात करो कि आर्क में, आर्क में ऑफिशियल पर भी हैक करता है आर्क मोबाइल पे, सर्वर पे और अनऑफिशियल सर्वर पर भी, कुछ बंदे तो एडमिन पास भी यूज़ कर लेते हैं हैकिंग यूज़ करके भाई जो भी है। तो अभी देखो एक्चुअली जितना भी हैक होता है ना पेड हैक, अब तुम बोलोगे पेड हैक क्या होता है, पेड हैक एक्चुअली बाय किया हुआ हैक होता है। अब कुछ लोग बोलेगा कि नहीं भाई फ्री का हैक भी होता है आर्क मोबाइल पे, तुम्हें पहले एक बात बोल रहा हूँ ध्यान से समझो, आर्क मोबाइल क्या जितना भी ऑनलाइन गेम है ना तुम कभी भी नॉर्मली हैक कर नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। कैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, देखो पहली बात तो तुम्हारा मोबाइल पे जो भी ऑफलाइन गेम है ना उसका जो भी तुम फाइल को हैक करोगे, तुम जो भी गेम को हैक करोगे तो एक्चुअली उसका जो सर्वर है आई मीन कि उसका फाइल है वो तुम्हारे मोबाइल के अंदर स्टोरेज पे रहता है, तुम इजीली हैक कर लोगे। बट अगर सेम चीज़ तुम ऑनलाइन गेम पे हैक करोगे या फिर वो गेम ऑनलाइन है तुम हैक करोगे,
बहुत हार्ड हो जाएगा, क्योंकि वो जो फाइलें तुम्हारे पास नहीं ऑनलाइन सर्वर पे है, उन डेवलपर के पास है, उनका ऑफिस पे है, तो तुम कैसे हैक करोगे? अब तुम बोलोगे गेम गार्डियन लकी पैचर से हम लोग कर लेंगे, नहीं, तुम जब भी करने जाओगे ना तो दोनों का जो मोबाइल तुम्हारे गेम के साथ उनका सर्वर का जो कनेक्शन है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्ट होने के बाद तुम हैक तो दूर की बात है, गेम पे लॉग इन नहीं कर पाओगे, हैक का क्या ही करोगे। अब कुछ लोग गेम गार्डियन यूज़ करके हैक कर लेते हैं आर्क मोबाइल, बट तब लॉग इन नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसी कारण से। अब कुछ लोग बोलेगा भाई फ्री का हैक होता है, क्या बात कर रहा है, तो अभी ध्यान से सुनो। चलो मान लेता हूँ फ्री का हैक, ये हैक बहुत सारा हैकर, पबजी पर भी तो बहुत हैकर होता है BGMI पे, तो वो लोग क्या नल्ले हैं? नहीं, डेवलपर नल्ले हैं, पागल है, क्योंकि उनका भाई इतना बड़ा कंपनी हो के भी वो लोग क्यों नहीं रोक रहा? तो COD का भाई इतना बड़ा कंपनी हो के वो लोग रोक पा रहा है, तो पबजी वाले क्यों नहीं? रीज़न है क्योंकि वो लोग खुद जानबूझ के हैकिंग करने दे रहा है। क्योंकि सुनो, अगर तुम कोई भी ऑनलाइन गेम हैक कर रहे हो ना, डेवलपर के साथ तुम्हारा कनेक्शन होना ही चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर एक हैकर के पास कनेक्शन है, नहीं, जो भी हैकर हैक कर रहा है कोई नासा का हैकर नहीं है, ये लोग डायरेक्ट एक चीट यूज़ कर रहा है। अब ये चीट मिलता कहाँ से? डाउनलोड करता है कहीं ना कहीं से, इंटरनेट है भाई, कहीं से ना कहीं से तो डाउनलोड कर ही लेगा। तो वो लोग जहाँ से ले रहा है ना, जो लोग उनको दे रहा है वो लोग डेवलपर से बाय कर रहा है या डेवलपर खुद ही उनको दे रहा है, जो भी है, तो अभी उनसे एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, ऐसे जाता है। आर्क में भी सेम है। अब तुम बोलोगे डेवलपर भाई ऐसे कैसे? भाई भाई उनको पैसा मिल रहा है ना फ्री में। अब जो भी है हैकर मतलब पेड है। अब तुम बोलोगे भाई तो फिर तो भाई आर्ट तो ऐसे ही नहीं हुआ। हर एक ऑनलाइन गेम पे, ज़्यादातर ऑनलाइन गेम पे जो भी हैकर होता है ऐसे ही पेड हैक ही होता है। अब कुछ लोग बोलेगा फ्री, अब देखो जो एक्चुअली पेड हैक बाय करता है ना, उनमें से ही बहुत लोग एक्चुअली उन हैक को फ्री में दे देते हैं। अब तुम बोलोगे फ्री में तो भाई वो लोग बाय करके क्यों फ्री में देगा? देखो अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होता। वो चीज़ अगर तुम्हें कुछ दे रहा है, वो बंदा अगर तुम्हें कुछ दे रहा है, सामने वाला बंदा, तो वो बंदा तुमसे कुछ ना कुछ ले रहा है, भले ही तुम्हें पता हो या ना पता हो। तुम जहां से डाउनलोड कर रहे हो इसका कोई गारंटी नहीं है उस वाले वेबसाइट पे तुम्हारा डाटा लीक नहीं हो रहा, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो कोई शॉर्ट लिंक कर वेबसाइट यूज कर रहा है जहां पर तुम्हारा तो कोई पैसा नहीं जा रहा, बट तुम्हें ऐड दिखाया जा रहा है जिसके वजह से जिसका लिंक है उस बंदे को पैसा मिल रहा है। तो ऐसे बहुत रीजन है जिस कारण से लोग पेड है डाउनलोड कर मतलब बाय करके उसका कॉपी बना के दे देते हैं। अब बंदे को लगता है भाई मैं तो फ्री में हैक कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता यार, थोड़ा सा अकल लगाओ। और अभी हैकर के बारे में भी तुम्हें समझ आ गया। अब बात करते हैं अपडेट के बारे में। लास्ट अपडेट में आर्क में जो आया था डंजियन आया था और ग्रिफिन वगैरह, उसके बाद डंजियन पे बहुत कुछ आया था। लास्ट वीक अपडेट का बात कर रहा हूँ, नॉर्मल स्मॉल अपडेट बहुत सारा आया था, उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया। अब देखो आर्क वैसे अगर बात किया जाए, आर्क मोबाइल एक तरीके से डेड हो चुका है, क्योंकि उतना उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा जितना वो लोग मेहनत कर रहे हैं। ऊपर से इतना छोटा टीम है फिर भी तो कुछ कर रहा है ना, वो लोग कुछ तो ट्राई कर रहा है। अब अगर उनके हिसाब से BGMI या बाकी कंपनी का बात किया जाए, इतना बड़ा कंपनी हो के गेम को बिगाड़ रहा है। देखो तुम खुद देखो, BGMI पबजी जो है, इतने लास्ट जो भी अपडेट आया है कुछ न्यू आया है नहीं? अब तुम बोलोगे न्यू तो बहुत कुछ आया है, तुम कहां से न्यू लग रहा है? वो COD का हर एक कॉपी करके डाल दिया, पेलोड मोड से लेकर जितना भी कुछ आया है, और हो सकता है कुछ गेम या एनिमे के साथ कोलेबोरेशन कर लिया, बस यही, और कुछ न्यू नहीं आता। तो फिर इतना बड़ा कंपनी हो के भी ये लोग कुछ नहीं कर पा रहा, तुम आर्क से बोल रहे हो, फिर भी तो ये लोग ट्राई कर रहा है अपडेट, ये लोग लाने का कोशिश कर रहा है, अभी नहीं ला पा रहा क्योंकि गेम में और क्या न्यू देगा? मोबाइल पे भी सपोर्ट होना चाहिए, तुम कोई भी गेमिंग फोन ले लो, इतना अच्छा कुछ नहीं सपोर्ट कर पाएगा। आर्क में इतना कुछ है, इतना AI है, इतना कुछ है, भाई बहुत ज़्यादा मुसीबत का बात हो जाएगा। अगर वो लोग आर्क का एक दूसरा वर्जन बनाए तो फिर उसमें सारा कुछ डाल सकता है, इसमें जो है वो रहेगा दूसरे वर्जन में दूसरा कुछ, बट इतना उनको फंड थोड़ी मिल रहा है। आर्क ऊपर से तो एक फ्री गेम है आर्क मोबाइल, तो क्या करेगा वो लोग? आई थिंक तुमका आंसर मिल चुका है। अभी हम लोग सीधा बात करेंगे कंपेयर के ऊपर। आर्क और माइनक्राफ्ट दोनों ही बेहतरीन सर्वाइवल गेम है, बट दोनों में आपस में अगर कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली सर्वाइवल पे नंबर वन आता है आर्क और फन में नंबर वन आता है माइनक्राफ्ट। क्यों मैं बोल रहा हूँ सर्वाइवल पे नंबर वन आर्क आता है? बिकॉज देखो माइनक्राफ्ट में सारा कुछ तो बढ़िया है, बाकी सर्वाइवल गेम से काफ़ी गुना अच्छा है आर्क को छोड़ के, तो देखो उसका कॉन्सेप्ट भी सही है, बट आर्क मतलब माइनक्राफ्ट पे जो डिफिकल्टी है ना, जो सर्वाइवल गेम में जो डिफिकल्टी होना चाहिए उस हिसाब से काफ़ी कम है, और आर्क में सही लेवल का डिफिकल्टी है जो एक सही में सर्वाइवल गेम को होना चाहिए, और जो बेसिक चीज़ होना चाहिए एक हर एक सर्वाइवल गेम पे वो सारा चीज़ आर्क में है ऑब्वियसली। अब तुम्हें कैसे मैं बोल रहा हूँ, डिफिकल्टी पॉइंट को ध्यान में रखना, इसमें किसको क्या पॉइंट जाता है आर्क और माइनक्राफ्ट डिफिकल्टी में। पहला चीज़ आर्क में अगर तुम माइनक्राफ्ट अगर देखो, प्लेयर को छोड़ के जो भी क्रिएचर है उनको हम लोग मॉब बोलते हैं, वैसे ही आर्क में
प्लेयर को छोड़ के जो भी क्रिएचर है उनको हम लोग डायनो बोलते हैं, भले ही वो डायनो हो या ना हो। तो अभी देखो इसमें क्या है, मतलब माइनक्राफ्ट पे तुम जब भी स्पॉन होते हो नॉर्मली दिन के टाइम पर ही और नॉर्मली ऐसे वैसे जगह पे कौन तुम्हें मार सकता है, क्रीपर वगैरह और स्पाइडर ज़्यादातर न्यूट्रल ही रहता है दिन के टाइम पे ज़्यादातर, तो तुम अगर नहीं मारोगे वो भी नहीं मारेगा ज़्यादातर, और बाकी जितना भी मॉब है ज़्यादातर तो मर जाता है, और भी कुछ मॉब है जो तुम्हें मार सकता है, थोड़ा सा अगर अच्छे से खेलोगे तो तुम जिंदा रह जाओगे। और दूसरा कौन सा डिफिकल्टी है, उतना नहीं है, तुम थोड़ा सा अगर सही से खेलोगे तो जिंदा रह जाओगे, हाँ मरोगे भी बट थोड़ा सा जिंदा रह जाओगे। आर्क में तुम्हें वही, तुम अगर थोड़ा सा ध्यान से खेलोगे फिर भी तुम मर जाओगे। अगर प्लेयर को अच्छा खासा गेम के बारे में पता भी है, कंट्रोल भी अच्छे से पता है, जगह के बारे में भी पता है, फिर भी मरने का चांस है उसको, बहुत ज़्यादा मरने का चांस है। वो स्पॉन होते ही कुछ देर में मरेगा ऑब्वियसली, ज़्यादातर मरने का चांस है। अगर न्यू प्लेयर है ऑब्वियसली मरेगा, भले ही उसको कंट्रोल अच्छे से सिखा दो, और भले ही वो न्यू प्लेयर मतलब कंट्रोल सिखा दो कहाँ पर स्पॉन होना है वो भी सिखा दो, फिर भी वो 100% मरेगा अगर वो न्यू प्लेयर है। और अगर जो पुराना प्लेयर है ना वो भी ज़्यादातर मर जाता है स्टार्टिंग में, क्यों? क्योंकि देखो मरने के लिए बहुत कुछ है, ऐसा कोई नहीं है कि दिन में कोई क्रिएचर नहीं आता, बल्कि दिन में बहुत क्रिएचर आता है, डिलोपोस और जो तुम्हें मार सकते हैं, कॉम्पी तुम्हें मार सकते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद आता है वेलोसिराप्टर, और भी बहुत क्रिएचर है। अब होता है माइनक्राफ्ट पे तुम्हें पैसिव क्रिएचर मतलब पैसिव मॉब बहुत ज़्यादा मिलेगा, आर्क में तुम्हें पैसिव उतना नहीं मिलेगा, पैसिव क्या मिलेगा जो आसपास तुम्हें मिलेगा, पैरासोर एक ही रहता है पैसिव, और गेलीमिमस जो बहुत ही कम मिलेगा तुम्हें आसपास जहाँ पर स्पॉन हो गए नॉर्मली। तो और दूसरा क्या तुम्हें पैसिव मिलेगा, घोड़ा जो इक्वस होता है वो भी हर टाइम मिलेगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ज़्यादातर तुम्हें न्यूट्रल और एग्रेसिव क्रिएचर मिलेगा। अब बात करें माइनक्राफ्ट और किस तरह से मर सकते हो, और कोई भी ऐसा कोई फॉल डैमेज वगैरह, आर्क में तुम्हें फॉल डैमेज भी है, ऊपर से भूख प्यास से भी मर सकते हो, माइनक्राफ्ट पर सिर्फ भूख से, आर्क में तुम्हें प्यास से भी मर सकते हो, ऊपर से तुम्हें वेदर की वजह से भी मर सकते, तो ज़्यादा ठंड में मरोगे, ज़्यादा गर्मी में भी मरोगे, इतना कि तुम अगर तुम ज़्यादा मतलब बारिश हो रहा है तो भी तुम्हें ठंड लग के मर सकते हो, ऐसा भी होता है रियलिटी जैसा, तो हुआ ना। और ये बेसिक चीज़ है, हर एक गेम में होना चाहिए, हर एक सर्वाइवल गेम में, जो आर्क में सही में है, आर्क से पहले जितना भी मोबाइल गेम था उतना हर कुछ नहीं था जितना कुछ है आर्क में सही से देखा जाए तो। तो एक पॉइंट तो ऑब्वियसली जाता है आर्क को, क्योंकि ये मतलब डिफिकल्टी के ऊपर। अब अगर दूसरा पॉइंट पर बात करते हैं, ग्राफिक टेक्चर ऑब्वियसली आर्क, दूसरा पॉइंट भी आर्क को, तो अभी तक माइनक्राफ्ट 0 पॉइंट है। अभी बात करें डेवलपर के ऊपर, जो फ्रेंडली डेवलपर होता है, तो ऑब्वियसली आर्क और माइनक्राफ्ट का दोनों का डेवलपर ही काफ़ी बढ़िया है, अपना प्लेयर का ध्यान रखता है, सही में ध्यान रखते हैं, क्योंकि देखो बहुत गेम ऐसा होता है जिनका तुम अगर कोई मॉड बनाओ, कोई पायरेसी करो, कुछ भी करो, स्ट्राइक दे देता है, यहाँ पर आर्क और माइनक्राफ्ट दोनों ही नहीं देता, तो दोनों को ही एकदम सेम पॉइंट आता है, दोनों को ही एक एक पॉइंट। तो अभी आर्क का कितना हुआ, आर्क का हो गया 3 और माइनक्राफ्ट का हुआ 1 पॉइंट। अभी बात करते हैं दूसरे तीन चीज़ के ऊपर, मॉड के ऊपर, ध्यान से सुनो, मॉड के ऊपर तो माइनक्राफ्ट यहाँ पर भी 0 आता है, क्यों आता है ध्यान से सुनो, माइनक्राफ्ट का जितना भी मॉड है अनऑफिशियल होता है, आर्क में तुम्हें ऑफिशियल मॉड देता है, ऑफिशियल ध्यान से सुनो, ऑफिशियल और अनऑफिशियल में बहुत फर्क होता है, इसलिए तो माइनक्राफ्ट का जो भी मॉड है उनमें ज़्यादातर ग्लिच वगैरह बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि अनऑफिशियल होता है। अब हो सकता है कुछ मॉड हो जो ऑफिशियल आए, मुझे नहीं पता, हो सकता है, बट अगर ध्यान से देखा जाए जितना ऑफिशियल मॉड तुम्हें माइनक्राफ्ट पे मिलेगा ना उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हें ऑफिशियल मॉड मिलेगा आर्क में, क्योंकि आर्क का ज़्यादातर मॉड ऑफिशियल ही होता है। अब बोलोगे अनऑफिशियल भी होता है, उल्टा आर्क तो खुद ही आर्क एडिटर दे दिया है जहाँ पर तुम अनऑफिशियल मॉड बनाओ। ये पॉइंट था एक्चुअली आर्क पीसी के लिए, जो आर्क मोबाइल पे तो अभी फिलहाल मॉड फॉर तो नहीं है। अभी बात करते हैं सर्वर के ऊपर, हाँ ऑब्वियसली माइनक्राफ्ट का सर्वर बहुत ही बढ़िया है आर्क के हिसाब से, क्योंकि माइनक्राफ्ट के सर्वर में बहुत कुछ बैटल वगैरह बहुत कुछ होता रहता है, क्योंकि देखो माइनक्राफ्ट के सर्वर पर क्या रहता है, लकी ब्लॉक, ये स्काई वॉर वगैरह, पता नहीं क्या क्या वॉर फॉर लगा रहता है, डेड रेस, पता नहीं बहुत कुछ रहता है, इवेंट वगैरह बहुत कुछ। आर्क में भी होता है, इतना कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है पर इतना कुछ नहीं। अभी अगर सर्वर में और भी थोड़ा सा देखा जाए तो एक हिसाब से सर्वर में ऐसा भी बहुत कुछ है आर्क में जो माइनक्राफ्ट पे ऑब्वियसली नहीं है। माइनक्राफ्ट पे ज़्यादातर तुम्हें पीवीपी मिलेगा, ज़्यादातर एसएमपी बनाओ, कुछ भी बनाओ या ऑफिशियल सर्वर, ज़्यादातर पीवीपी मिलेगा, बट आर्क में तुम्हें पीवीई मिलता है, पीवीपी भी मिलता है, इतना कि पीवीएक्स भी मिलता है एक ओपन वर्ल्ड में, जो अभी तक कोई भी गेम में नहीं है, पीवीएक्स खुद आर्क बनाया है। अभी तुम्हें माइनक्राफ्ट पे पीवीई भी मिल जाएगा, बट पीवीएक्स कहाँ से लाओगे, चलो पीवीएक्स भी मिल गया, बट आर्क में एक और चीज़ होता है पीवीएक्ससी। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो हर चीज़ का कंपेयर करूँगा ना, पीवीएक्ससी ऐसा एक मतलब सर्वर होता है जहाँ पर तुम्हारा एक मतलब जोन होता है जहाँ पर तुम पीवीई रहता है, मतलब प्लेयर वर्सेस एनवायरनमेंट, दूसरा रहता है प्लेयर वर्सेस प्लेयर, आई मीन कि पीवीपी
पी। अब जो पी बी एक्स सी होता है उसमें पी बी एक्स होता है एक्चुअली। पी बी एक्स एक जोन होता है, अगर जोन के बाहर रहोगे तो पी बी ई, जोन के अंदर रहोगे तो पी बी पी। पी बी एक्स वही होता है जहाँ पर पी बी ई और पी बी पी दोनों होता है। तो ये मिक्स करके ये जो चीज़ बनाया गया है ऑब्वियसली आर्क पे बनाया, अभी तक कोई दूसरा गेम पे नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए आर्क के भी सर्वर पे बहुत कुछ अलग है जो माइनक्राफ्ट पे नहीं है। हाँ, बहुत कुछ ऐसा माइनक्राफ्ट पे जो आर्क में ऑब्वियसली बन नहीं सकता। तो इस हिसाब से, इस सर्वर के हिसाब से जो भी बोला पी बी एक्स सी ए ओ वगैरह और स्काई वार वगैरह, फिर भी हम लोग ये कर सकते हैं। मतलब स्काई वार अब तुम बोलोगे कैसे कर सकते, आइलैंड वगैरह ही बनाना पड़ता है, इतना कोई हार्ड नहीं है। और ऊपर से बेड वार जो भी होता है, बेड को दूसरे बंदे का बेड को तोड़ना, ये क्या हार्ड होता है यार। आर्क में भी तो वैसे ही बेड को तोड़ोगे तो बंदा रिस्पॉन्ड नहीं ले पाएगा, सेम चीज तो है जैसे माइनक्राफ्ट पे होता है। अब बोलोगे फ्लाइंग कैसे आइलैंड बनाएंगे आर्क मोबाइल पे, तो देखो ऐसे बहुत लोग फ्लाइंग टॉरेट टावर बना सकता था, तो ये भी बनाना इतना हार्ड नहीं है। अभी थोड़ा सा अपडेट आने के बाद स्टॉप हो चुका है, फिर भी बहुत फॉरेनर यूट्यूबर ये बना रहा है, तो ये भी बना सकते हैं। और ऊपर से मैं तो वो पार्कोर भी किया तो वो भी तो हो गया ना। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों गेम ही सही है अपने अपने जगह पे, क्योंकि देखो आर्क में भी ऐसा बहुत पीवीपी का बैटल होता है जो माइनक्राफ्ट पे हो ही नहीं सकता। जैसे कि तुम माइनक्राफ्ट पे क्या कर सकते हो, एक शॉट लेके दूसरे बंदे को मारना, और जो भी मैजिकल आइटम होता है, जो भी चीज़ इंचनमेंट वगैरह जो भी चीज़ होता है वगैरह वगैरह जो भी चीज़ होता है उससे तुम बंदे को मार सकते हो। आर्क में तुम्हें रियलिटी सारा कुछ मिलेगा, जैसे कि टॉरेट, टॉरेट होता है जो खुद स्नाइपर राइफल, नॉर्मल राइफल, टेक गन वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीज़, इतना कि तुम डायनो लेके भी दूसरे बंदे को मार सकते हो। माइनक्राफ्ट पे कौन सा मॉब को तुम टेम करके दूसरे बंदे को मारोगे, डॉग वगैरह और कौन सा मॉब जो बंदे को मारोगे, वो ज़्यादातर मॉब नहीं है। बट आर्क में तुम्हें ऐसा बहुत तुम्हें क्रिएचर मिल जाएगा जो तुम अगर मारोगे बंदे को तो मतलब तुम्हारा एनिमी तो वो भी मार देगा। तुम्हारा डिफेंस सिस्टम के लिए भी कितना सारा चीज़ है जो माइनक्राफ्ट पे तुम इतना डिफेंस नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं होता यार, क्या डिफेंस, कुछ डिफेंस नहीं होता माइनक्राफ्ट पे। तो एक हिसाब से देखा जाए तो भाई ये तो आर्क में सही हुआ, माइनक्राफ्ट पे इतना कुछ मज़ा तो नहीं है। जो इनफैक्ट जो लोग पबजी और सीओडी का बैटल रॉयल ज़्यादातर प्लेयर हैं वो लोग आर्क में ही जाएगा, क्योंकि ऐसा फाइट भी उन्हें मिलेगा ना ऑब्वियसली। अब उनमें से कुछ लोग माइनक्राफ्ट पर भी जाता है, क्योंकि माइनक्राफ्ट पर तुम्हें इन्फिनिटी वर्ल्ड भी मिलेगा, क्योंकि इन्फिनिटी वर्ल्ड जो एंड नहीं होगा। अब तुम्हें कैसे इन्फिनिटी वर्ल्ड, देखो आर्क में कैसे नहीं, क्योंकि माइनक्राफ्ट एक ब्लॉक बेस्ड गेम है, ब्लॉक जहाँ पर आता है, तो एक ही वर्ल्ड तुम्हें बार बार, एक ही जगह तुम्हें बार बार आता रहेगा, बट वो हर एक टाइम पे, हर एक सेकंड पे चेंज होता रहेगा। मतलब जब भी तुम एक्सप्लोर करते करते आगे जाओगे, मतलब पहले पेड़ यहाँ पर था, बाद में पेड़ यहाँ पर हो जाएगा या कोई दूसरे जगह पे, या फिर बाद में पेड़ आएगा ही नहीं, वहाँ पर कोई नदी होगा या फिर कोई गुफा होगा, कोई पहाड़ होगा, कुछ ना कुछ, क्योंकि वो ब्लॉक बेस्ड गेम है, उसमें ये सारा कुछ हो सकता है। बट एक रियलिटी बेस्ड गेम में ऐसा तुम कर नहीं सकते, तो फिर वो गेम का साइज कभी ख़त्म ही नहीं होगा अगर वो इन्फिनिटी वर्ल्ड हुआ। अब तुम बोलोगे बहुत सारा रियलिटी गेम में तो इन्फिनिटी जैसा रहता है, वो एडवेंचर होता है, वो स्टोरी मोड वगैरह होता है, बट आर्क स्टोरी मोड नहीं है, स्टोरी है बट स्टोरी मोड नहीं है। ध्यान से समझना, मतलब ध्यान से समझना। तो एक हिसाब से देखा जाए दोनों गेम ही अपने अपने जगह पे बेस्ट है।